तो उनका जब झाड़ा लिया तो भीतर जगह मैं डॉक्टर विनय गुप्ता का झाड़ा लेकर इमने पर्ची काटी तो ये पर्ची और पर्ची में के हो रहा के खुलासा हो रहा नया नया खुलासा हम लेकर बताने लग रहे हैं। 24 रोल नंबर उसमें थे। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू अपने सहयोगी डॉक्टर विनय शर्मा के गल है। पहले तो दोनों की तरफ से सारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी। राम राम जी, राम राम। और मैं विनय गुप्ता हूँ, विनय शर्मा नहीं ना। अच्छा पक्की बात है? पक्की बात है। चलो ये भी है राजनीति वाले लड़के टप्पे। चलो तो बताया था 2014 में जब इलेक्शन हुए और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी आई तो उसमें एक ऐलान कराया था इन्हें भाई पर्ची खर्ची बंद कर देंगे, सारी चीज और इंटरव्यू बंद कर देंगे ए बी सी डी कैटेगरी। लेकिन धीरे धीरे विपक्ष भी हमलावर हो गया और कुछ चीज़ें उजागर भी होगी तो वो इतनी उजागर होगी जिस तक इन्हों कहने लगे ए बी सी डी कैटेगरी नहीं, ए बी सी डी कैटेगरी के घोटाले। जब बात करा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तो उसमें घोटाले की भरमार है। निर्णय मामले केस मतलब कोर्ट में लंबित हैं। तो ताज़ा ताज़ा जो मामला है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के उप सचिव हैं अनिल नागर, उनका दौरा जब हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो पहुंची शिकायत पे तो उनका जब झाड़ा लिया तो भीतर जगह मैं डॉक्टर विनय गुप्ता का झाड़ा लेकर इमने पर्ची काटी तो ये पर्ची लिख रही और उस पर्ची में के हो रहा के खुलासा हो रहा नया नया खुलासा हम लेकर बताने लग रहे हैं। 24 रोल नंबर उसमें थे जिन तय 20-20 लाख रुपए ले रखे हैं। इस तरह की बात हुई है। दो नाम भी आए हैं उसमें, आसमनी और नवीन नाम के बंदे के जो बिहानी साइड के हैं। बाकी ब्रीफ में डॉक्टर विनय गुप्ता खुद बताऊंगे क्योंकि खुद वो एक डेंटल मतलब डेंटिस्ट हैं और 3-4 बार ही नवी पेपर दे रखे हैं लेकिन पेपर पैटा को नहीं, पेपर तो पैट गया लेकिन नंबर नहीं पड़ा। एसआई की बात कर लो एचएसएससी वाले की तो वह भी रोन लग रहे हैं। वह लोग बोले आर्थिक आधार पर जो नंबर दिए गए उनकी कोई कागजा की जांचे को नहीं करी उनके मतलब क्या वो उनकी जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स थे उनके उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दी है। यानी उन्होंने क्लेम तो कर लिए फॉर्म भर के। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना क्योंकि जो भी हुआ ये वीडियो देख रहा है वो ये देखे कि किस तरह की प्रोसेस एचएसएससी और एचपीएससी अपना रहा है। जो पहले सवाल सी और डी की भर्तियों पर उठते थे करमू भाई वो अब ए और बी पर भी आंच में आ गए हैं क्योंकि एचपीएससी की इसमें संलिप्तता सामने आ गई। मतलब ऐसा भी लगने लगे डॉक्टर विनय मैंने बीच बेईमान का धंधा ईमानदारी तो रहा है। बिल्कुल मौका नहीं कर बोला बेईमान के धंधे में ईमानदारी जरूरी है। हाँ। जो ईमानदारी बेईमान करने का तरीका टोली आओ सत्ता पक्ष सत्ताधारी पार्टी ने क्योंकि पर्ची मिलना बहुत बड़ी बात है और वो भी एचपीएससी के उप सचिव उनकी जब हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो ने झाड़ा लिया। वीडियो ने गले गले शेयर कर दे रहे हो भाई ताकि दूध का दूध और पानी का पानी उसका नई नई चीज के लिए बताओ। आपको मैं बताना चाहूंगा कि एचएसएससी की सी और डी की भर्तियां तो पहले सवालों के घेरे में थे ही, उसके बाद अब एमपीएसडब्ल्यू स्टाफ नर्स और एसआई की भर्तियां भी सवालों के घेरे में आ गई हैं। बात करें अगर एचपीएससी की ग्रुप बी पोस्ट की और ग्रुप ए पोस्ट की तो एचसीएस और डेंटल सर्जन जिनके अभी अभी एग्जाम्स हुए थे दोनों में ही भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। और आपको मैं विस्तार से बताऊं कि जब इस मामले की जांच हुई तो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को एचपीएससी यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी जो अनिल नागर हैं उनकी जेब में से पर्ची मिलती है। पर्ची मिलती है दोस्तों, वीडियो को शेयर करना कि वाइट फिल्म नहीं आई थी डॉक्टर साहब, फटा पोस्टर निकला ही रहो जी, लिकड़ी पर्ची उजागर हो गया घोटाला। रिमांड पे हैं फिलहाल जी, तीन जो आरोपी आए हैं इसमें जो उप सचिव हुए और दो मुख्य जो वो कह लो उनको दलाल भी कह सकता या फिर महकमा के उनकी वो जांच चल रही है। दो नाम आए हैं नवीन और अश्वनी जी, तो उनका भी अभी तार भी बताऊंगा मैं आपको कि कहां कहां तक जुड़े हुए हैं इसके। केवल पंचकुला जहां पर एचपीएससी का हेडक्वार्टर है वहीं पर जांच नहीं हुई है बल्कि भिवानी जिले में कोट गांव है वहां तक स्टेट विजिलेंस की टीम पहुंची और वहां तक भी लोगों को दबिश दी गई है पवन नाम के किसी व्यक्ति के घर जहां से डेंटल सर्जन के फॉर्म बरामद हुए हैं। तो कितना बड़ा नेक्सस और नेटवर्क ये पूरे घोटाले का चल रहा है ये सामने आ रही है। आपको बता दें कि एचसीएस के 24 उम्मीदवारों की रोल नंबर्स की एक लिस्ट कथित तौर पर जो दीप अनिल नागर हैं डिप्टी सेक्रेटरी उनकी जेब में से मिली है और 16 डेंटल सर्जन्स के रोल नंबर्स उनकी जेब में से मिले हैं कि कथित तौर पर इनसे भारी रकम 20-20 लाख रुपए लिए गए हैं। कुछ तो चार करीब तो मेरे ख्याल से टॉपर भी उनमें छह टॉपर हैं। तो वो टॉपर भाई वो टॉपर है खोपर है
या बात जांच की, क्योंकि जिनको पीछे में जो पीछे देख लागेंगे वो टॉपर नहीं महाराज साहब तो वो खोपर हैं जी, कहने का भाव यू है। अरीफ डॉक्टर साहब गले गले और नहीं नहीं जो चीज़ें वो बता दे रहे हैं, मैंने डॉक्टर साहब को इसलिए भी जरूरी समझा क्योंकि डॉक्टर साहब खुद एक डेंटिस्ट हैं जी, और इनने भी 4 बार पेपर दे रखे हैं, हालांकि नंबर तो इनके बड़ी आए रहे होंगे लेकिन भाई सिलेक्शन को नहीं आया। सिलेक्शन क्यों करो है, सिलेक्शन तो पर्ची आने का होना, पर्ची आने का परिचय दे दूं मैं सर, मैं 5 बार पेपर दे चुका हूं, 5 बार जी, 2013 का जो बीडीएस कंप्लीट करने के बाद 5 बार मैं खुद डेंटल सर्जन के पेपर में अपीयर हुआ हूं एचपीएससी के, और मैं हर बार सोचता था कि नहीं एचपीएससी में गड़बड़ नहीं होती होगी, बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से पेपर होता है, लेकिन जिस तरह से अब सामने ही आ गया, पहले तो सुना करते थे कि 20-20 लाख लेके 25-25 लाख देके सिलेक्शन होता है, तो क्या गुजरती होगी उन कैंडिडेट्स पे जो पूरी उम्र जो है दिन रात पढ़ाई, तो आप एक्सप्लेन कर सको आप क्या गुजर रही है बताओ। मैंने इतनी पढ़ाई की थी आप समझ नहीं सकते हैं दोस्तों, कि जब मेरे को पता लगा कि एग्जाम पास आ गया है तो मैं 12-12 घंटे तक पढ़ता था कि मैं किसी तरह से पास हो जाऊंगा, कि सरकारी नौकरी लग जाएगी। एक तो एग्जाम्पल मैं दे दूं, डॉक्टर साहब ने सोचा था सरकारी नौकरी लग जाए क्योंकि लागे तो इसते है नहीं, फिर तो यहाँ डॉक्टर साहब इस चीज के तो पक्षधर है नहीं, तो डॉक्टर भी ने जब उनका नंबर नहीं पड़ा तो मेरे ये पत्रकार बन के मर के ला गए तो इन्हें पत्रकारिता मास्कॉम भी करी है भी ना, तो ये पत्रकारिता में आ गए नू देखो, और ये डिजर्व कर रहे हैं क्योंकि अच्छे मार्क्स भी हैं और अच्छा अनुभव भी है, उसके बाद भी 5 बार पेपर देने के बाद, क्योंकि पर्ची और खर्ची का कौन था सिस्टम भाई, तो उसके पक्षधर नहीं हम। मैं आपको इस पूरी घटना का थोड़ा सा विस्तार बता देता हूं कि हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के उप सचिव डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर को डेंटल सर्जन भर्ती की लिखित परीक्षा में भर्ती में जो है नंबर बढ़ाने के लिए फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस मामले में सोमवार को विजिलेंस ने जो अनिल नागर को वहां एचपीएससी के कार्यालय लेकर पहुंची, शिकायत थी किसी की गड़बड़ी हुई है इसमें, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। जब तो उन्होंने बड़े खुलासे किए, उनकी जेब से एक पर्ची बरामद हुई है जिसमें से एचसीएस की परीक्षा के 24 रोल नंबर लिखे हुए हैं, जिनमें से 6 टॉपर्स रहने वाले अभ्यर्थी हैं। शेयर करते रहो भाई के अलग-अलग साथ शेयर करते रहिए। पूछताछ में अनिल नागर ने बताया कि 16 रोल नंबर अश्विनी ने नागर को दिए थे। अभी अश्विनी कौन है? हाँ, ये अश्विनी देखो ये पूरी जिस तरह है ना एक स्लीपर सेल बन जा रहा है, तो एक पूरी की पूरी चैन हुआ है, पूरा चैनल हुआ है जो विधि वितरिका का काम कर रहे हैं, तो एक सिस्टम बनाया हुआ भाई कौन तो इसमें आगे आगे रोल नंबर की वह पर्ची जाओगी, किसका जाना है, किसकी पेमेंट आई, किसकी आधी आई है, किसके पूरे आए हैं, जिनके पूरे आ लिए वो टॉपर भी उसके हैं। बिल्कुल, और आप ये देखिए एडवांस वाले टॉपर भी। ये वीडियो इसलिए शेयर कीजिए क्योंकि ये देखिए कि एचसीएस जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाले लोग हैं, अगर वो पर्ची और खर्ची से सिलेक्ट होंगे तो कैसी एडमिनिस्ट्रेशन वो संभालेंगे, डेंटल सर्जन जो पर्ची से बनेंगे वो कैसा इलाज आप लोगों का, वही सा इलाज करेंगे, दांत पैड कर लोगों को कहेंगे पड़वानी तो है निचली जाड़, ऊपरली पैड कर फिर लोगों को हाय मैं तो डर गई, फिर हर जान कीमती है, जिस डॉक्टर का हाथ में जबाड़ा है, जबाड़ा अपना सारा काम जबाड़ा तो होना है, तो जबाड़ा तो आप खावांगे पीवांगे, ओए जबाड़ा करने वाले जे पर्ची खर्ची वाले होंगे तो किसी के जबाड़े ठीक करेंगे भाई, वहां तो वह काम है, बोले जाड़ कटवानी होगी तरली काट देंगे, ऊपरली नस काटनी होगी तरली की, क्या बोले आ रहे जी आपकी लैंग्वेज आरसीटी वो आरसीटी का डीटीसी का छिड़काव करे। एक चीज और देखो ना, कितना ड्रामा रचा जाता है एग्जाम वाले दिन, बाहर के जो परीक्षार्थी हैं जो पेरेंट्स हैं उनकी इस तरह से जांच की जाती है जैसे अंदर पर्ची नहीं बम लेके जा रहे हो कि कोई पर्ची ना ले जाए, और जो एचपीएससी के अधिकारी हैं वो पर्ची रखे हुए हैं जेब में, यानी फिक्सिंग चल रही है अंदर और जांच बाहर वालों की हो रही है। हो गया जो जांच करने वाले नहीं वही गड़बड़ हो, क्योंकि तो उप सचिव है ना अनिल नागर जी, तो बिल्कुल बोला मैं तो अपने लुटा गहरा कड़ा दम था, मेरी किश्ती उड़ा डूबी जड़ा पानी कम था, यानी कि अपने लुटने लग रहे हैं, बैठ खेत ना खाने लग रहे हैं, जिनका हाथ में या चीज है कि हमने निगरानी रखनी है वो पर्ची ले घूम रहे हैं, पर्ची और खर्ची चल रही है, पर तो जो सरकार के दावे हैं वो खोखले हैं, इसका मतलब खोखले हैं फिर वो दावे, तो पर्ची भी और खर्ची भी, तो ये चीजें, लेकिन हालांकि यह चीज हम हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो की हाथी मानना है, जो उन पर शिकायत हुई तो तुरंत उनने छापेमारी करी और एक बड़ा फर्जीवाड़ा का खुलासा होने लग रहा है। लग रहा और विजिलेंस सोमवार को डेंटल सर्जन भर्ती के आरोपियों को लेकर हरियाणा लोक सेवा आयोग के कार्यालय पहुंची और वहां का रिकॉर्ड देखा। एक प्रिंटर दस्तावेज के अलावा डेंटल सर्जन और एचसीएस प्री की ओएमआर शीट कब्जे में ली है जी। इससे पहले रविवार को यानी संडे को देर रात भिवानी के कोट गांव में भी आरोपी नवीन के घर दबिश दी गई थी, वहां से डेंटल सर्जन भर्ती के फार्म और रोल नंबर मिले थे। मतलब आप सोच सकते हैं कि
इतना बड़ा नेक्सस है और ये डॉक्यूमेंट जो इतने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है वो भिवानी के कोट गांव कैसे पहुंचे? पीछे तो पेपर लीक हुआ था ना डॉक्टर भी ने, वो जो प्रिंट हुए थे वो जम्मू कश्मीर से हुए थे। बताओ तो ओड़ा था, देखो कड़ता शुरुआत हुई, जड़ा प्रिंट हुए नी पेपर ओढ़ते शुरू हुई थी उस घोटाला की। तो हालांकि आरोपी भीतर है जेल में, कुछ तो पकड़ लिए, कुछ पकड़ने बाकी है। तो भाई ये जो ढकोसले हैं, बड़े बड़े पर्चे लाते हैं, अब भाई पारदर्शी सरकार ना, पर्ची ना खर्ची, पर्ची भी खर्ची भी पारदर्शी भी कोनी जी। तो इसमें हम तो बताने लग रहे खुलासे, तो तुम भी बताओ कमेंट सेक्शन में भाई कौन कसूरवार है इन चीजों का। आपके घर में से हर एक बच्चा कोई ना कोई आज पेपर देने जा रहा होगा या देने की तैयारी कर रहा होगा, वो वीडियो को शेयर करे बिना ना रहे, शेयर करो भाई, नहीं तो फिर बताऊं जो डिजर्व करे नहीं बच्चे वो डॉक्टर विनय के डाल बैठेंगे आगे में पत्रकार बनेंगे मार के लाके फिर। तो डॉक्टर विनय आज मतलब देखो, यदि इनका काम ईमानदारी से, यदि सरकार की पारदर्शिता होती, इस सरकार इस टर्म में भी दे लिए होंगे एग्जाम तो आपने या पहले दिए? कितने दिए ये डेंटल सर्जन का? एक ही दिया मैंने। तो इस सरकार में भी दे लिया, जय पारदर्शिता होती तो डॉक्टर विनय डिजर्व करें, तो ये लग के तो किसी के दान जबाड़े पड़ते पांदे, तो ये जबाड़ा तो भी खोल रहे हैं लेकिन भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए खोल रहे हैं। नहीं मैं अभी भी खुश हूं करमो भाई आपकी टीम में, बिल्कुल ठीक बात, आत्मिक संतुष्टि बहुत तगड़ी है जी। आदत पड़ गई है ना जी। तो उसके बाद जो है मुख्य आरोपी नागर का रिमांड मंगलवार को पूरा होगा, इसके बाद क्योंकि जो एक आरोपी है वो जो अश्वनी और जो पवन थे उनका तो एक एक दिन का रिमांड था, इनका जो रिमांड है वो मंगलवार को पूरा होगा यानी आज। इसके बाद नागर और उनके सहयोगियों को, अश्वनी शर्मा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सकती है, भाई बताओ अब तुमने कैसे घोटाला और अलग अलग बयान ले जाऊंगे इनके, क्योंकि देखो बयान अलग अलग इसलिए जरूरी है फिर दोनों की, देखो जब जांच हो अगर उसमें का तरीका अगर अलग अलग बयान ने फिर मैच करके देखा रहे उसका बाद बेरा पटाग रहा है अक भाई इनके मैच नहीं हुए नहीं जो बयान, तो इसका मतलब गड़बड़ घनी तकड़ी है। तो डॉक्टर भी ने पूरा करो बात को। विजिलेंस को भिवानी में नवीन के घर से जो रोल नंबर और डेंटल सर्जन के फार्म मिले हैं वो नवीन ने दिए थे, इनमें से 11 से में से 8 अभ्यर्थी पास हो गए थे, यानी कि 11 लोगों में से 8 तो पास हो गए थे वो। और हिसार के दौलतपुर निवासी नरेंद्र की शिकायत में जिस उम्मीदवार दलवीर सिंह का डेंटल सर्जन का पेपर पास करवाने के लिए रोल नंबर दिया था उसका भी फार्म मिला है, इस रोल नंबर का डेंटल सर्जन का पेपर पास करवाने के लिए नवीन ने 20 लाख रुपए लिए थे। चलो मामनू को हमें सुनो, देखो अकेले ये जो अफसर है नहीं भ्रष्ट अफसर, ये अकेले कसूरवार को नहीं, थाम भी तो कसूरवार हो जो दे हुए रिश्वत, रिश्वत देना और लेना दोनों पाप हैं। और डॉक्टर विनय ने एक बात कही थी थोड़ी देर पहले, डॉक्टर विनय गुप्ता जी ने, भाई मैं तो खुश हूँ, देखो आत्मिक संतुष्टि बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वाह भी बात है, बोला क्या गम है जिसको छुपा रहे हो जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि गले गले एक वाह भी चीज़ है भाई, डिजर्व होते हुए भी इनका नंबर नहीं पड़ा, हालांकि यह एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात है, ये अपने अंदर एक इनका कॉन्फिडेंस है भाई आगत आ गए बढ़ने लग रहे हैं। इस बात ने लेके एक छोटी सी बात कर दूँ डॉक्टर बिना, मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा, वो उदाहरण इसलिए जरूरी है ताकि आप चौकस हो जाएं, समझदार हो जाएं। एक राजा ने कर लाना शुरू कर दिया अपना इलाका में, कर लाया लोगों ने आदत पड़ गई, फिर उसने राजा ने कर का रेट बढ़ा दिया और बढ़ा दिया कर, जो कर 5-10% कर दिया, फिर भी लोग कर देने लग रहे थे, राजा सोचे यार मैं इतना कर बढ़ाने भी लग रहा हूँ लोग कोई बोलते ही नहीं, लोग कर पर कर लगवाने लग रहे, फिर राजा ने एक पुल बनवाया स्पेशल ताकि कर और बढ़ाया जाए, तो पुल बनाया गया वो कर है नहीं 5 के बजाय 20% कर दिया, 10-20% 20% भी कर देने लग गए लोग, यानी कर दे रहे हैं टैक्स दे रहे हैं। फिर उसके बाद राजा ने सोचा यार कोई बोलता ही नहीं, ओड़े नु करो शिकायत पत्रिका रखवा दो, शिकायत पेटी का जो कोई शिकायत दर्ज है उसमें, और उस पुल पर चढ़न तो पहले उनका जूत मारो लोगों एक एक, तो एक एक जूत खावें और लोग जावें और फिर भी 20% टैक्स देवें। फिर एक पर्ची आई गणित नाम उसमें उसमें शिकायत पेटिका में, राजा खुश भाई कोई तो लोग है सियाने चौकस जिन्हें इस शिकायत की तरफ ध्यान दिया, भाई कोई शिकायत देना चाहे कोई तो करके खिलाफ होया, लेकिन जी राजा ने वो पर्ची खोली नहीं तो राजा हैरान हो गया, उस पर्ची में लिख रखा था महाराज हम ड्यूटी पे लेट हो जाते हैं, जूत मारने वालों की संख्या 2 कर दी जाए ताकि जल्दी जूत लाग जाए, थोड़े थोड़े हम पार हो जाए। तो आदत पड़ गई जूत खाने की, बिल्कुल, तो बोलते ही नहीं हम, बोला मुसी बोला दबी बिल्ली मुझसे थोड़ा कान कटावे, तो दाबा करा खराबा है, अन्याय ना करो ना सहो। HSSC वाले बालक हैं जो कैंडिडेट हैं, और भाई जो HPSC वाले कैंडिडेट हैं, ABCD कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, हम उन तक वहाँ बेबाक होकर जब तथ्यों के साथ जब आप लोगों के खिलाफ अन्याय लिख रहे तो उसके खिलाफ हम तर गए, संसार क्रांति तर गए खड़े हैं, मतलब कंधा तो कंधा मिलाकर इस वीडियो ने जिला के शेयर भी कर दियो ताकि इसी प्रकार तय
जो आप, क्योंकि ये जितनी भर्ती हुई ना डॉक्टर साहब, आधी तो ज्यादा भर्ती हम तो सरकार कोर्ट में खड़ी है। बिल्कुल, ये कोर्ट में खड़ी है आपने, या कोर्ट वाली सरकार है ये। भर्तियां कैसे पूरी होती हैं कि पहले तो वो आदमी अपने आप को सिलेक्टेड तब मानता है जब वो पहली तनख्वाह ले लेता है। बिल्कुल, ऐसा ना हो कि कोई अब कोर्ट में केस कर दे। मैं, कितनी कमियां हैं इस सिलेक्शन में, आप मानते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं? अगर पुलिस का पेपर है तो उसमें एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ स्टेट क्वेश्चन आ रहे हैं। और दूसरा एक और कहना चाहता हूँ, अगर सब कुछ ठीक लग रहा है तो कोई पेपर लीक करा देता है, और पेपर ठीक से चेक हो जाते हैं तो उसके बाद कोई क्वेश्चंस को लेके कोर्ट पहुंच जाता है। तो क्या इतने सालों में हम लोग पेपर्स भी नहीं करा सकते? इतना स्तर घट गया है हमारा। इसने कहा है डॉक्टर साहब, गाड़ी का कटड़ा बांधना, एक जना किसी पे चलेगा गाड़ी लेने, बोला गाड़ी दे दे, बोला गाड़ी तो कोनी खड़ी भाई, सामी खड़ी, बोला गाड़ी का तो कटड़ा बंध रहा, बोला कड़े बंध रहा, बोला तने पेरा नहीं के मैं नाट लिया, तो भाई अड़े के थोड़े खूब करेंगे लाने ही नहीं जीव। तो गाड़ी का काटड़ा बांधने वाला काम हमको वहाँ हर सत्ता, देखो हर पार्टी से सवाल है, केवल सत्ताधारी पार्टी से नहीं, रोड़ा यू है यू टोन यू कुछ चल रहा कबड्डी कबड्डी, ईब ये चले जाओगे दूसरे आ जाएंगे फिर वो नू करेंगे कबड्डी कबड्डी, फिर ये विरोध में खड़े हो जाएंगे। कहने का भाव, राजनीति आज हमारा जीवन से लेकर मृत्यु तक का निर्धारण करने वाली होगी, यानी कि राजनीतिक गुलामी, इसकी जंजीरत आज़ाद होना है तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करो, गलत ने गलत कहो, सही ने सही कहो। हालांकि इस मामले में डॉक्टर भी ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला का भी बयान आ लिया है, उन्होंने कहा भाई दोषिया ने बक्सा को नहीं, तो यह बात है, लेकिन सवाल तो उठेंगे भाई सरकार में आप लोग बैठे हो तो इसलिए मुखिया के ऊपर तो बात आया करें। तो ये एक बड़ा खुलासा हम लेकर आए थे इस कहानी में, जितने मोड़ आंदे रहोगे, जितने भी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जो भी गड़बड़ पाओगी, हम बेखौफ होकर बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बेबाकी तक प्रस्तुति दिन दे रहे, क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल, डेफिनेटली जी, लगे शेयर कर दियो भाई, और शेयरिंग का तैयार दो फतूर, ताकि आप सारे मिलकर इस समस्या तय हो सका दूर जी, समस्या ना खत्म कर सका जी। हमें दीजिए इजाजत, ये थी खास पेशकश, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता अपने कर्मो भाई के साथ संसार कांति स्टूडियो से, पर्ची के साथ, पर्ची के साथ भ्रष्टाचार की पर्ची के साथ।